गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो भैया, अपने कक्षा 12 की इतिहास विषय जो है, इसके अपने तीन चैप्टर पढ़ चुके हैं। तीसरा जो चैप्टर था बंधुत्व, जाति और वर्ग, यहाँ तक अपने पढ़ चुके हैं। देखो एक बार मैं थोड़ा सा अपने स्टार्टिंग से रिविजिट कर दूँ। अपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाता भैया अपने हड़प्पा सभ्यता, मतलब 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य का जो समय है, इस समय की घटनाओं के बारे में अपने पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में अपने मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की बात की। इसके अलावा मौर्य काल, गुप्त काल, सातवाहन, कुषाण, इनके बारे में भी चर्चा की थी। इसके बाद में सेकंड चैप्टर जो आया था भैया, उसमें अपने बात की थी उस समय की आर्थिक व्यवस्था की, मतलब व्यापार वगैरह, वाणिज्य वगैरह, व्यवसाय वगैरह, उनकी बात की थी। थर्ड चैप्टर जो था बंधुत्व, जाति और वर्ग, उसमें अपने बात की थी 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य की सामाजिक व्यवस्था की, मतलब समाज किस प्रकार का था, कौन सी जातियां थी, कौन से वर्ण थे, किस प्रकार के विवाह होते थे, क्या व्यवसाय थे, उन सारी बातों की अपने चर्चा की थी। आज अपने अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है भैया विचारक, विश्वास और इमारतें। देखो भैया, विचारक का मतलब उस समय के जो दास ये विचारक थे, अपने इतिहासकार वगैरह थे, लेखक वगैरह थे, उनकी चर्चा। विश्वास का मतलब कि लोगों की किन किन बातों में मान्यताएं थी, लोग किन धर्मों को मानते थे, धार्मिक विश्वासों की अपने यहाँ चर्चा करेंगे, जैसे यज्ञ वगैरह, बलि वगैरह, उनकी चर्चा करेंगे। और इमारतें, इमारतें आप जानते हो भवन वगैरह है, स्तूप वगैरह है, किले वगैरह है, इनकी चर्चा अपने करेंगे। और इनको भैया सम्मिलित रूप से अपने क्या कहते हैं, सांस्कृतिक विकास, मतलब अपने 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य का जो सांस्कृतिक विकास था वो किस प्रकार का था, वो अपने इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। क्लियर है? अब देखो भैया, ये अपने फर्स्ट पार्ट है। अपने आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके जो पॉइंट है, अपने जिस प्रकार से अपना चैप्टर चल रहा है उसी प्रकार से अपने आपको मैं समझा रहा हूं, तो थोड़ा सा अपने यहां से ध्यान से आपको समझना है। अपना भैया फर्स्ट पॉइंट जो आता है अपनी बुक के अकॉर्डिंग, वो कौन सा है, सांची का स्तूप। अब देखो भैया, सांची का स्तूप क्या है, सबसे पहले तो ये समझो ये सांची है कहाँ पर, इसका निर्माण किसने करवाया, स्तूप होता क्या है, किस प्रकार का होता है, ये सबसे मेन जरूरी है। अरे जैसे मान लो अपने इतिहास पढ़ रहे हैं, अब आपको यही पता नहीं कि गुरुजी इतिहास होती क्या है, तो पढ़ने से मतलब ही क्या है। आप बाबर पढ़ रहे हो, आप अकबर पढ़ रहे हो, आप महाराणा प्रताप पढ़ रहे हो, और आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले कि इतिहास क्या होती है, अब वो अपने को आ नहीं रहा है। तो कहने का मतलब है कि सांची का स्तूप, सबसे पहली बात तो ये अपने को पता होना चाहिए सांची है कहाँ पर। तो देखो भैया, ये सांची का जो स्तूप है इसका निर्माण किसने करवाया था, मौर्य काल में इसका निर्माण हुआ था। मौर्य काल का मतलब समझ गए, आपको पढ़ाया हुआ है मेरा। और मौर्य काल के कौन से शासक ने निर्माण करवाया था, महान सम्राट अशोक के द्वारा। और इसका निर्माण किसके करवाया था, ईंटों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मतलब मौर्य काल में भैया सम्राट अशोक के द्वारा इसका ईंटों से निर्माण करवाया गया, बाद में इसका पत्थरों से, लकड़ियों से, कई बाद में धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होते रहे। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन आता है, गुरुजी ये है कहाँ पर, तो ये है भैया अपने कहाँ पर, एमपी में। एमपी यानी मध्य प्रदेश के कौन से स्थान पे है, भोपाल में है भैया। कभी देखो ट्रेन से आप जब एमपी से दिल्ली आओ या दिल्ली से एमपी जाओ, तो देखना बीच में अपनी ये स्टेशन आता है, वहाँ पर स्टेशन से जस्ट पास में ही लगभग 200 मीटर के आसपास की दूरी पर यह सांची का स्तूप बना हुआ है। तीसरा क्वेश्चन आता है, गुरुजी स्तूप कहते किसको है, अपने पढ़ तो रहे हैं सांची का स्तूप, पता है अशोक ने बना दिया, पता है एमपी में है, लेकिन स्तूप होता क्या है। भैया स्तूप का मतलब होता है ढेर या थुआ। अब गुरुजी ढेर या थुआ का ही है, कई बार अपने कहते हैं ना कि अरे यार अठे तो माटी को ढेर लगा दियो, कई बार अपने गांव में नहीं करते क्या, बातें करते हैं कि अठे तो खूब सारा सामान ले आर गए दियो, ढेर सो लगा दियो, मतलब इस प्रकार से टिब्बे नुमा संरचना, इस प्रकार से उसको ही तो क्या बोलते हैं, अपने ढेर ही तो बोलते हैं, इसी को ढेर बोल दो या इसी को क्या बोलते हैं, थुआ बोलते हैं। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, ढेर या थुआ। अब ये क्यों बनाए जाते थे भैया, किस लिए बनाए गए, अपने महात्मा बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध जानते हो भैया बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, ये आगे डिटेल से चर्चा करेंगे, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और जिनकी मृत्यु हो गई थी 483 ईसा
पूर्व में, इसकी डिटेल से चर्चा अपने लास्ट क्लास सेकंड क्लास में करेंगे। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद में भैया जो उसके अस्थि अवशेष थे ना, उन अस्थि अवशेषों के ऊपर ही क्या बनाए गए, स्तूप बनाए गए। अब क्वेश्चन पूछ ले, देखो यहाँ पे तीन चार क्वेश्चन हो गए, ध्यान देना। फर्स्ट क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया, सांची का स्तूप कहाँ पर है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सांची के स्तूप का संबंध कौन से धर्म से है, तो ध्यान रखना भैया बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म मत कर देना। सांची का स्तूप अलग है, सांची का अभिलेख अलग है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं भैया, निर्माण हो गया, अब 19वीं सदी में आ जाओ भैया। 19वीं सदी में यूरोपियन कौन भैया, आपने देखो 19वीं सदी में भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, अंग्रेज भी आए थे, फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, ये क्या करने आए थे, भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। तो जो फ्रांसीसी और अंग्रेज थे ना, उनकी नज़र किस पे पड़ गई, इस सांची के स्तूप पे पड़ गई, और इन्होंने इस सांची के स्तूप का जो तोरण द्वार है उसको प्राप्त करना चाहा, समझ गए। फ्रांसीसी और अंग्रेज जो थे तोरण द्वार, अब गुरु जी तोरण द्वार कहीं हुए, जो तोरण जानो ना, अपना तोरण ब्याह कमान मारे अग्रह नहीं मारे तो मार ले ताको भी टाइम आशी जना, ब्याह कमान अपना जो तोरण मारे अग्रह, तोरण मतलब प्रवेश द्वार, जो सांची का प्रवेश द्वार था या तोरण द्वार था उसको कौन प्राप्त करना चाहते थे, फ्रांसीसी और अंग्रेज प्राप्त करना चाहते थे, क्यों, क्योंकि ये यहां से उसको अपने वहां पर अपने देश में ले जाना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो एमपी की जो बेगम थी शाहजहां बेगम, इस बेगम से क्या मांगी, अनुमति मांगी कि ये तोरण द्वार आप हमें दे दो, क्लियर है। अब ये शाहजहां बेगम ये उस समय की नवाब थी भैया, देखो भोपाल में जो शासक होते हैं उनको नवाब भी बोलते हैं, ठीक है। तो शाहजहां बेगम जो थी वो होशियार थी, इसने क्या किया, जो वास्तविक तोरण द्वार था वो तो इनको दिया नहीं, इनको फ्रांसीसियों और अंग्रेजियों को, और इस तोरण द्वार का क्या बना दिया, एक नमूना या मॉडल बना दिया, जिसको क्या कहते हैं, प्लास्टिक प्रतिकृति। मतलब अपने क्या होता है, कई बार कोई वास्तविक वस्तु होती है, उस वास्तविक वस्तु का अपने नमूना बना देते हैं, कोई मॉडल बना देते हैं, मतलब उसका नकली सेम टू सेम वैसा का वैसा बनाकर इस शाहजहां बेगम ने किसको सौंप दिया, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों को सौंप दिया। तो फ्रांसीसी और अंग्रेज भी क्या हो गए, खुश हो गए, और अपने सांची के स्तूप का जो तोरण द्वार था वो भी कहाँ रह गया, अपने भारत में रह गया। अब आगे बात करते हैं भैया, शाहजहां बेगम और उसकी उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी का मतलब शाहजहां बेगम के बाद में शासक कौन बनी थी, सुल्तान जहां बेगम, ठीक है। इन्होंने क्या किया भैया, इस सांची के रखरखाव के लिए अनुदान दिया, अनुदान का मतलब धन दिया, मतलब इस सांची के स्तूप की मरम्मत करवाने के लिए इन्होंने समय समय पर धन दिया, समय समय पर आर्थिक मदद की। जॉन मार्शल, जॉन मार्शल ने भैया सांची के स्तूप पर एक ग्रंथ लिखा, जॉन मार्शल जो थे इन्होंने सांची के स्तूप का अध्ययन किया, सांची के स्तूप के महत्व को समझा, और इनके महत्व को समझने के बाद में जॉन मार्शल जो थे इन्होंने सांची के स्तूप पर क्या लिखा था, एक ग्रंथ लिखा था, और वह ग्रंथ किसको समर्पित किया, सुल्तान जहां को समर्पित किया। ये भी भैया क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप पर एक ग्रंथ का निर्माण किसने किया था, जॉन मार्शल ने, सांची के स्तूप पर जॉन मार्शल ने जो ग्रंथ लिखा था उसे किसको समर्पित किया, सुल्तान जहां को। और इसी सुल्तान जहां ने भैया इस सांची के स्तूप के पास में एक तो क्या बनाया, संग्रहालय बनाया, और एक क्या बनाया, अतिथिशाला बनवाई, या दूसरे शब्दों में कह दे कि अतिथिशाला और संग्रहालय बनवाने के लिए क्या दिया, दान दिया। संग्रहालय मतलब अवशेषों को रखने की जगह, अतिथिशाला मतलब यहाँ पर जो लोग इसको देखने आते हैं उनके विश्राम की जगह है, क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पे भैया एक आत्मकथा है, ताज उल इकबाल तारिक भोपाल, ताज उल इकबाल तारिक भोपाल, ये क्या है, ये एक आत्मकथा है, एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है, और किसकी आत्मकथा है, यह आत्मकथा है भैया शाहजहां बेगम की, यह आपको ध्यान रखना है। शाहजहां बेगम ने भोपाल का इतिहास लिखा या अपनी आत्मकथा जो है तारिक उल इकबाल तारिक भोपाल, इसमें शाहजहां बेगम जो थी इसने भोपाल का इतिहास लिखा। तो ये हो गया भैया आपके सांची का स्तूप, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो कई स्टूडेंट के कमेंट आते हैं, गुरुजी आप नोट्स लिखो, गुरुजी आप हमें पीडीएफ सेंड कर दो। तो देखो भैया मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमेशा मेरी इस बात का ध्यान रखना, कभी भी किसी दूसरे के नोट्स मत पढ़ो, नोट्स अपने हाथ से लिखो,
जो भी आप पढ़ रहे हो उसके अपने, जैसे मैंने आपको ये समझा दिया, आप ऐसे कैसे, आप या तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या आप अपने हिसाब से इसको लिख लो, क्योंकि आप अपने हाथ से लिखोगे ना भैया वो हमेशा ध्यान रखना जल्दी याद होता है। मैं अगर आपको लिखा रहा हूँ आप अपने हाथ से लिख रहे हो वो जल्दी याद होगा, किसी दूसरे के नोट्स लेकर आप पढ़ रहे हो वो आपको जल्दी याद नहीं होगा। बाकी आपकी इच्छा है, आपको जैसा बेटर लगे वैसा आप कर सकते हो। मैंने ये सिस्टम इसीलिए अपनाया है ताकि आपको नोट्स लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो फर्स्ट पॉइंट अपने क्लियर हो गया है। अपनी बुक में सेकेंड पॉइंट है भैया यज्ञ और विवाद। अब बात करते हैं भैया 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य किस प्रकार के यज्ञ होते थे और कौन कौन से विवादों का प्रारंभ हुआ। तो देखो भैया इस समय के प्रमुख विचारकों की बात करें ना, तो इस समय के प्रमुख विचारक, ये भैया आपके क्वेश्चन है ध्यान रखना सभी, प्रमुख विचारकों में ईरान का जो प्रमुख विचारक था उसका क्या नाम था, जरथुस्त्र। ध्यान रखना ये आपका जरथुस्त्र कहां के विचारक थे, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं, या ईरान के प्रसिद्ध विचारक कौन थे। चीन का जो प्रमुख विचारक था उसका नाम था भैया खुंग सी, ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने। यूनान के जो प्रमुख विचारक थे सुकरात, जिनका नाम सुना होगा अपने आप स्कूलों में। देखो भैया स्कूलों में जो अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है ना, ज्ञान ही सद्गुण है, ज्ञान ही सर्वोपरि है, ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है, ये सारी बातें जो अच्छी अच्छी बातें हैं ये इसी सुकरात के द्वारा कही गई है। बहुत बड़ा विद्वान था, यूनान का एक महान दार्शनिक था ये, और इसी सुकरात के शिष्य था प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य था अरस्तु, जिससे पॉलिटिकल साइंस का जनक माना जाता है। तो यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक कौन हो गए, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, ठीक है। ये क्वेश्चन है भैया ध्यान रखना आपको, यूनान के दो दार्शनिकों के नाम बताइए या दो विचारकों के नाम बताइए, या क्वेश्चन पूछ ले कि प्लेटो और अरस्तु का संबंध कहां से है, तो अपने यूनान से। इसी समय भैया भारत के जो प्रसिद्ध विचारक हुए थे वो हुए थे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। तो ये जितने भी विचारक थे इन विचारकों ने अपने अपने धर्मों को लेकर इनके मध्य वाद विवाद प्रारंभ हो गया, इनके मध्य बहस प्रारंभ हो गई, और इस प्रकार से टोटल कितने संप्रदायों का उदय हुआ, 64 संप्रदायों का उल्लेख या उद्भव उस समय हुआ। क्वेश्चन ये भी आता है भैया 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य कितने संप्रदायों का उल्लेख हुआ, 64 संप्रदायों का उल्लेख या उद्भव हुआ, क्लियर है। अब बात आते हैं भैया यज्ञों की परंपरा। इसी समय भैया यज्ञ की परंपरा स्टार्ट हो गई। यज्ञ जानते हैं ना अपने, हवन वगैरह कराते हैं, ओम स्वाहा इस प्रकार से, तो इसी समय भैया यज्ञ परंपरा प्रारंभ हो गई। अब देखो ये यज्ञ परंपरा कब से प्रारंभ हुई, ये हुई थी भैया वैदिक काल से। देखो अपने सबसे पहले पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में भैया 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व की जो सभ्यता है उसको क्या बोलते हैं, वैदिक सभ्यता। तो इसका आपको कालक्रम ध्यान रखना है, टाइमिंग आपको ध्यान रखना है। तो यज्ञों की परंपरा किससे प्रारंभ हुई, वैदिक काल से प्रारंभ हुई। वैदिक काल का टाइमिंग कब से कब तक, 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। और वैदिक काल का जो प्रमुख ग्रंथ है या प्रमुख जो वेद है वो कौन सा है भैया, ऋग्वेद है। देखो चार वेद है अपने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनमें से भैया वैदिक काल जो था उसमें रचना हुई थी ओनली एक ही वेद की, वो कौन सा था, ऋग्वेद। फिर आ गया था अपने उत्तर वैदिक काल, उसमें रचना हुई थी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की। चलो इतना डिटेल से आपको याद नहीं रखना है, आप तो यही ध्यान रख लो कि वेद अपने यज्ञों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, वैदिक काल से मिलती है। कौन से वेद से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। इस समय के जो प्रसिद्ध देवता थे, जो प्रमुख देवता थे वो कौन कौन थे, अग्नि, इंद्र और सोम, ये इस समय के प्रमुख देवता थे। और इनकी स्तुति के लिए, इनको खुश करने के लिए लोग अपने स्वास्थ्य के लिए, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, अपनी लंबी उम्र की कामना के लिए क्या करते थे, आम जनता जो थी वो क्या करती थी, यज्ञ करती थी। इसी समय भैया राजा और सरदार जो होते थे, इन राजा और सरदारों के द्वारा जो यज्ञ किए जाते थे वो कौन से थे, एक तो था राजसूय यज्ञ, एक था अश्वमेध यज्ञ, दो यज्ञ थे। अब बात आती है गुरुजी राजसूय यज्ञ कौन होता है या कब किया जाता है, जब किसी राजा का राज्याभिषेक होता था उस समय किया जाता था भैया, कौन सा यज्ञ, राज्याभिषेक यज्ञ। हालांकि ये बुक में नहीं है आपके, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं ताकि आपको पता हो, नाम आपके दिए हुए हैं राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, लेकिन ये कब किए जाते थे ये आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको इसका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो राजा के राज्याभिषेक के समय कौन से यज्ञ,
राजसु यज्ञ और दूसरा है भैया अश्वमेध यज्ञ। ये सबसे जटिल यज्ञ होता था उस समय। लगभग 8 प्रकार के यज्ञ किए जाते थे, जिनमें सबसे जटिल यज्ञ जो था वो कौन सा था, अश्वमेध यज्ञ था। ये एक राजा को चक्रवर्ती आदर्श प्रदान करने के लिए दिया जाता, मतलब चक्रवर्ती सम्राट का दर्जा देने के लिए यह यज्ञ किया जाता था। और इस यज्ञ की एक खास बात थी भैया, इस यज्ञ के बाद में अश्व की या घोड़े की क्या दी जाती थी, बलि दी जाती थी। इसीलिए इस यज्ञ का नाम क्या पड़ा, अश्वमेध यज्ञ। और यज्ञ करने का जो पुरोहित होता था, जो पंडित होता था, वो कौन होता था, यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण होता था। ये हो गई भैया आपकी यज्ञों की परंपरा। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें अपने बात करेंगे भैया जैन धर्म और बौद्ध धर्म की। ओके, अब इस टॉपिक में आपके इस क्लास में किसी भी प्रकार की आपके कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या अपना टेलीग्राम ग्रुप जो बना हुआ है उसके ऊपर आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।